तो दोस्तों आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास है उमरान मलिक से भी खतरनाक गेंदबाज जो लगातार करता है 150 की स्पीड से गेंदबाजी। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, साथ ही बताएंगे उस गेंदबाज का नाम। लेकिन इससे पहले अगर आप भी आरसीबी की टीम के बहुत बड़े फैन हैं और चाहते हो आरसीबी की टीम आईपीएल 2023 का खिताब जीते तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि अब आईपीएल 2023 शुरू होने में मात्र 4 दिन बचे हैं, जहां 4 दिन के बाद क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2023 का आगाज होगा। वहीं बीसीसीआई और आईपीएल 2023 की सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आईपीएल 2023 का पहला मैच 31 मार्च के दिन खेला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और आरसीबी की टीम के सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस कैंप से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें पिछले सीजन में आरसीबी की टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वे अपना पहला खिताब जीतने से चूक गए थे। लेकिन अब आपको बता दें आईपीएल 2023 में आरसीबी की टीम एक बार फिर से अपना खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन इस बार आरसीबी की टीम ने एक ऐसे गेंदबाज को अपने टीम में शामिल किया है जो आरसीबी की टीम को अकेले दम पर चैंपियन बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरसीबी की टीम के तेज गेंदबाज अविनाश सिंह की। आपको बता दें इस बार ऑक्शन में आरसीबी की टीम ने अविनाश सिंह को 60 लाख की कीमत पर खरीदा था और अब अविनाश सिंह आईपीएल 2023 में आरसीबी की टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें ये लगातार 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, जहां अविनाश सिंह भी उमरान मलिक की तरह तेज गेंदबाजी करने का शौक रखते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आरसीबी की टीम के कई खिलाड़ी बाहर होने के वजह से अविनाश सिंह को आरसीबी की टीम प्लेइंग 11 में मौका दे सकती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या अविनाश सिंह को आरसीबी की टीम को आईपीएल 2023 में मौका देना चाहिए या नहीं, आप इसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।